एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पुराने विधानसभा के वार्ड 8 के भाजपा प्रत्याशी गुलाब सिंह राठौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हवन पूजन के साथ किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने रिबन काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान वार्ड के लोग भी भारी मात्रा में कार्यक्रम में मौजूद रहे। वार्ड 8 में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन विधि विधान के साथ किया गया, जहां से अब चुनावी जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यालय उद्घाटन के दौरान भाजपा उम्मीदवार गुलाब सिंह राठौर ने जनता के उत्साह को देखते हुए अपनी जीत को पक्का बताया। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या पर पिछले 5 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया है। नागली पूना से मुख्य सड़क का जर्जर होना यहाँ के लिए लोगों के लिए बड़ी समस्या है, जो कि दिल्ली सरकार को सुलझानी थी, लेकिन अब तक इस बाबत कोई काम दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। वार्ड नंबर 8 बुरारी में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे मनोज तिवारी सांसद ने दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, दिल्ली के सरकार ने फ्लड के जो भी नाले हैं उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और सरकार बड़े बड़े वादे करती है जिसकी बोल खुल रही है, ये बहते हुए नाले दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर के भी बहुत ही तीखा प्रहार किया और कहा, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, जो जेल मंत्री भी आज उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जेल में किस तरह से वह आराम फरमाते हुए मसाज करवा रहे हैं। एक तरफ तो कोर्ट में उनके वकील कहते हैं कि इनकी याददाश्त चली गई है, वहीं जेल की कोठरी में मंत्री मसाज करवाते हुए पाए जाते हैं। इससे आम आदमी पार्टी की सच्चाई की पोल खुलती है और उनकी नीयत का साफ पता चलता है, वो कहते क्या है और करते क्या है। वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, इन सबका मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री केजरीवाल स्वयं है, उनको इस निगम चुनाव में जनता शून्य पर आउट करके उनके आने वाले 25 की विदाई की तैयारी कर रही है। मनोज तिवारी ने अपने भाषण में दिल्ली सरकार के विधायक द्वारा निगम चुनाव की टिकट दिलवाने के नाम पर लेने वाले 90 लाख रुपए रिश्वत का जिक्र किया और कहा, जिस पार्टी के विधायक नगर निगम चुनाव में टिकट देने के लिए रिश्वत ले रहे हैं, सोचो अगर वह गलती से निगम में आएंगे तो कितना भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए दिल्ली की जनता को इन जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। नया स्ट्रीम आया हुआ है, मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल में है, क्या कहना चाहेंगे उसको? आज अरविंद केजरीवाल का झूठ रेड हैंड पकड़ा गया है और आज ये स्पष्ट हो गया है कि ये आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष गैंग है, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये लोग कट्टर भ्रष्टाचारी लोग हैं। इन्होंने कोर्ट से भी झूठ बोलने का पाप किया है। जिस व्यक्ति को बोलते हैं कि उसकी याददाश्त चली गई है, उस व्यक्ति को हमने इस कैमरे में जेल में मसाज कराते, अपने वकीलों से डील करते, अपने कार्यकर्ताओं से जिनके मार्फत ये भ्रष्टाचार कराते हैं उनसे सेटिंग करते देखे गए हैं। ऐसी स्थिति में आज दिल्ली को एक बहुत बड़ा विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास किया था, लेकिन वो लूट भी करेंगे और झूठ भी बोलेंगे और लगातार दिल्ली की जनता को धोखा देते रहेंगे। ये तीनों स्वरूप आज दिल्ली की जनता को मिल गया है। आज जब हमने इस बात को जहांगीरपुरी में बताया तो हमारी आम महिलाएं, बहनें, भाई वो सुन करके दंग रह गए। आपने अपने कैमरों पे देखा होगा उनका रिएक्शन। तो ऐसी स्थिति में आज अरविंद केजरीवाल के चरित्र का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। ये स्टिंग दिल्ली के जनता के साथ हुए हुए अरविंद केजरीवाल के बड़े धोखे का सबूत है। मनोज जी, पूरी दिल्ली के अंदर त्राही मची हुई है टिकटों को लेकर और आम आदमी पार्टी पे काफी बड़े विरोध भी लगे हैं और एलिगेशन लगे और अखिलेश पतित पार्टी के पीए अरेस्ट भी हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी किस तरीके से देख रही है? देखो, जब उनका शीर्ष नेता ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो चेले चाटियों का क्या होगा? आप सोचिए, ये लोग टिकट भी बेचते हुए पकड़े गए और टिकट बेचने के आरोप में 3 लोग जेल में हैं, जो विधायक के रिश्तेदार हैं, आप जो नाम ले रहे हैं। मैं समझता हूँ, चाहे वो टिकट बेचने वाले लोग हो या फिर याददाश्त भुला करके अपने पाप को छुपाने वाले सत्येंद्र जैन हो या इन सबको संरक्षण देने वाले अरविंद केजरीवाल हो, इन सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, गुलाब भी खिलेगा साथ के साथ? गुलाब तो जहांगीरपुरी की आज ये ऑफिस के उद्घाटन में ही जो खुशबू मिली है वो हमें पूरी तरह लग गया है कि कमल तो खिल ही रहा है, हमारा गुलाब भी खिल जाएगा। कि मुकेश गोयल का एक वीडियो भी वायरल हो, खबर चली, उससे क्या कहना है आप? देखिए, हम उस वीडियो को देख के तो हैरान रहे। वो अपने जेल में भी 5 आदमी को बिठा करके
और तुमको ये करना है, तुमको यहाँ साइन करना है, तुमको ये कागज निकालना है, ये सब बतिया रहा है। और कोर्ट में कह रहा है मेरी याददाश्त, जेल मंत्री दिल्ली का इतना, क्योंकि वो जेल का मंत्री है, जो जेलवा में वही जेल का मंत्री। मेरे भाई बहन, अगर कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति आपके बीच आता है, आप उससे एक सवाल जरूर करना कि दिल्ली को इतने सारे मीठी मीठी भोली भाली बातें करके इतना बड़ा लूट, और उसके बाद गलियां ऐसी पड़ी हैं, नालियां बज बजा रही हैं। हमें तो कई बार हम सड़क पे चलते हैं तो हमको डर लगता रहता है कि कोई हमारे कालर में पकड़ ले। भाई जनता को क्या पता, उसको लेकर सांसद हो तू, एक बार तो पकड़ ही लिया था मुझे। उधर कहीं करावल नगर क्षेत्र में एक 70 साल के आदमी थे, मुझे पकड़ लिए, खड़े रहो। तुमके क्या हो गया, क्या गलती हुई? तुमने कहा बाबूजी बताइए, तो मुझे उन्होंने बहुत डांट के बोला कि हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है, तुम किस बात के सांसद हो? हमने कहा बस पानी है हमारे बस में नहीं। बोले कैसे बात करते हो, मनोज तिवारी पानी नहीं दे सकता साहब। हमने कहा प्रभु जी, वो चाबी अरविंद केजरीवाल को दे दी गई, हमारे पास है, हम ये जो चौड़ी सड़क है उसको बना सकते थे, हम मुकुंदपुर से एक रास्ता निकाल सकते थे, वो हमने कल्पना झा ने बताया, हमने निकाल के दे दिया। हम सिग्नेचर ब्रिज बना सकते थे, हमने वो बना के दे दिया। हम शास्त्री पार्क का वो फ्लाईओवर बना सकते थे, हमने दे दिया। हम लाइट लगवा सकते थे, यहाँ भी कई कितना कल्पना ने जो जो किया है हमने किया है। वो रेखा को सब लिख के दे देना, सब अपनी बातों में कस्तूरबानंद बलोदी जी, हमारी जितनी बहने हैं, आप सभी लोगों को, वो लोगों को बताना चाहिए। तो हमारे बस में जो था, जो फ्लड का नाला मेरे बस में नहीं, मैं क्या करूं? पानी की सप्लाई हमारे बस में नहीं है, हम क्या करें? अगर यही समस्या है तो सबसे पहले तो जो MCD है उसको बचाया जाए। अगर इसमें भी ऐसे ही लोग आ गए